हे मारो राजस्थान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गांवों को मिलकर समृद्ध बना दें, गांव विकास की योजनाओं से लाभ उठा लें। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। शहरों में है तेज रफ्तार जिंदगी, तेजी से हो रहा विकास, पर अब पीछे भी नहीं है गांव। शहरों की रफ्तार अब दिखने लगी है गांव में। शहर हो या गांव, प्रगति और उन्नति की बागडोर होती है युवाओं के हाथ में। सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो युवा भी बदल सकते हैं गांव की तस्वीर और ला सकते हैं अपने परिवार और गांव में समृद्धि। परंतु इसके लिए जरूरी है गांव में ही गांव के युवाओं के लिए सही रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। गांव के युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़े? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड युवा शक्ति के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान के 4 जिलों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर के गांवों में युवाओं को अनेकों प्रकार के रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और अब तक लगभग 1600 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हिंदुस्तान जिंक, ILNFS तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत 5 वर्षों में ग्रामीण BPL परिवारों के 7800 युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही संबंधित रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक प्रोजेक्ट अभी चालू हुआ है हिंदुस्तान जिंक के संयुक्त तत्वाधान में। उसमें इस प्रकार से है, ये लीजिए आप, वहाँ पे 4, 5 या 6 कोर्स चल रहे हैं। इनमें आप अपना मनपसंद कोई भी ट्रेड चुन सकते हो और उसमें आपको 1 महीने का वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं आपकी आवासीय व्यवस्था होगी और वहीं आपके खाने की भी व्यवस्था होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, हिंदुस्तान जिंक और ILFS ने मिलकर भीलवाड़ा में स्किल स्कूल की शुरुआत की है। मैं इस वक्त हूँ गांव खेजड़ी, तहसील हुडा में, जहां पर बेरोजगार युवकों को स्किल स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। मेरे साथ है श्रीमान महेश चौधरी, जो यहां पर रोजगार मित्र हैं। तो महेश जी, आप बताइए कि आपका ये पूरा कार्यक्रम कैसे चलता है? हमारे कार्यक्रम, पहले तो हम बेरोजगार युवकों को गांव-गांव, घर-घर, डांडी-डांडी जाके उनको एक जागरूकता प्रदान करते हैं। योग्यता जिसके पास जैसी है, अगर वो 12वीं पास है तो उसके लिए एक अलग कोर्स है, 10वीं पास, 8वीं पास, मतलब 5वीं पास तक के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत बड़ा कैंपस है भीलवाड़ा के अंदर, हरणी महादेव के अंदर। वहाँ उनको ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में उनको वहीं से जॉब दिलवा दिया जाता है, उनका इंटरव्यू हो जाता है और वहाँ ज्वाइनिंग लेटर उपलब्ध करा दिया जाता है। और यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए तरीके क्या क्या हैं? पहले BPL लिस्ट ले लेते हैं उस क्षेत्र की, गाँव की या पंचायत समिति की, और BPL लिस्ट के माध्यम से एक एक करके संपर्क कर लेते हैं। कुछ मुख्य जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनसे भी उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करा लेते हैं। रोजगार रथ के तहत एक अपनी बड़ी वैन ले जाते हैं, उसमें ऊपर माइक सेट के माध्यम से सभी को सूचित किया जाता है। जैसे ही इसमें उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमसे आके संपर्क करते हैं, उनको हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं और जो इच्छुक युवक या युवतियाँ होती हैं वो वहाँ आके और अपना पूरा ट्रेनिंग लेती हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में उनको नौकरी दिलवा दी जाती है। इस प्रकार से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। इसमें हिंदुस्तान जिंक और ILFS दोनों मिलकर बहुत अच्छा अपना सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी जानकारी लेने के बाद मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है कि मैं जल्दी से जाके स्किल स्कूल देखूं। ILNFS स्किल स्कूल में मेरी मुलाकात हुई वहाँ के एसोसिएट हेड श्री वेद प्रकाश गोयल से। जो ILNFS स्किल स्कूल है, इसका बेसिक एम क्या है? इस परियोजना के तहत 7800 जो BPL परिवार के गरीब लोग हैं, बच्चे हैं,
उनको हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देकर एक रोजगार से जोड़ेंगे, यानी उनको एक ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो एक स्थायी रूप से उनको एक आमदनी का एक जरिया मिल जाएगा। ये जो बच्चे हैं किस एज ग्रुप के बीच में आते हैं? इनका बेसिकली जो ये कार्यक्रम का फोकस है वो ड्रॉप आउट यूथ के लिए है। अधिकतर जो हमारे सर्वे किया है तो ये देख के आया है कि मेवाड़ जिले, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ पे ऐसे लड़कों की बहुतायत है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, पाँचवीं से दसवीं तक के बच्चे बहुत सारे हैं और उन्हीं को एक रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने स्किल देकर, एक प्रशिक्षण देकर, उनको एक टेक्निकली नॉलेज देकर हम लोग उनको प्रशिक्षित करके इंडस्ट्रीज में काम करने लायक बना रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिला है आपको इन लोगों से और आपका रीच कितने लोगों तक है? दसवीं पास वाला बच्चा, आठवीं पास बच्चा जो शुरू में ऐसा था जिसकी इनकम प्रति माह 500, 700, 800 रुपए से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब एक महीने की ट्रेनिंग के बाद में वो कम से कम 3,500 का आदमी बन जाता है, उसको 3,500 में मिलने लग जाते हैं। छः महीने के बाद में वो 5,000-5,500 रुपये पहुँच जाता है। और जो हमारे यहाँ से करीब 2.5-3 साल पहले जो मेरे यहाँ से जो बच्चे निकले हैं, आज मुझको रिपोर्ट मिलती है कि कोई बच्चा 18,000 रुपये पे काम कर रहा है और कोई 16,000 रुपये पे काम कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के सेंटर के जो बच्चे निकलेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अच्छे उनके परिणाम रहेंगे, उनके अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं हूँ गाँव आज़ाद नगर में, ये ग्राम पंचायत खेजरी का गाँव है। इस गांव में मुख्य तौर पर आबादी ऐसे परिवारों की है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे गांव जहां अधिकतर परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों, वहां इन योजनाओं का लाभ पहुंचना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान जिंक ने इस गांव में 7 युवकों को सिलाई प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा है। इनमें से एक है अनिल रावत, जिनसे मैं आज मिलने आई हूँ। अनिल रावत ने ILNFS के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक महीने का सिलाई का प्रशिक्षण लिया और आज अनिल भीलवाड़ा के एक कंपनी में कार्यरत हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। तो आप पहले मुझे बताइए कि आप इस प्रशिक्षण से पहले क्या करते थे? ट्रैक्टर चलाते हैं खेतों में, यही खेती बाड़ी करते हैं। तो इस प्रशिक्षण के बारे में आपको कैसे पता चला? मैडम, 5-7 बंदे होटल में चाय पी रहे थे तो एक वैन आई, वैन पर लिखा हुआ रोजगार गारंटी, तो उसमें से एक बंदा आके बोले कोई भी बंदे ये काम सीखो और तो ये रोजगार गारंटी। फॉर्म भरे और पता वता दे दिए, वहाँ गए और फिर वहाँ फॉर्म भरे और 4-5 धंधे थे, सिक्योरिटी गार्ड और कंप्यूटर और सिलाई का, तो उनमें हमारे सिलाई अच्छी लगी तो सिलाई में भर दिए फॉर्म और सिलाई करने। एक ने ट्रेनिंग दे के आए, एक ड्रेस बना के दे के आए उनको। कहाँ जाते हैं और अब क्या करते हैं? विजयनगरी जाते हैं मैडम सिलाई करने के लिए, वही पेंट बुशर्ट बनाते हैं। और इसमें आप कितना कमा लेते हैं अब? अब मैडम 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। अनिल रावत जैसे उदाहरण से प्रेरित होकर आज इस गांव के कई युवा इस कार्यक्रम से जुड़ने को तैयार हैं। अनिल रावत रोज साइकिल से काम पर जाते हैं, ये साइकिल उन्होंने अपनी कमाई से ही खरीदी है। अनिल रावत जैसे युवा आज पूरे गांव के लिए एक मिसाल हैं, जिनसे प्रेरित होकर गांव के अन्य युवा भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं। वहां से ट्रेनिंग होके आएंगे, हम उनको यहां काम देंगे, 4,000 रुपये महीना हम उनको स्टार्टिंग में देंगे, उसके बाद उनकी इनकम जितना काम करेंगे और इनकम बढ़ेगी, तो उत्थान तो होगा ही उनका, उनका जीवन स्तर तो बढ़ेगा ही। ऐसा अगर ये योजना बराबर चलती रहे योजना, तो ये शायद आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और वेदांता हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े उद्योगों के प्रयास किसी भी गांव की तस्वीर तभी बदल पाएंगे जब ग्रामवासी खुद आगे बढ़कर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदार बने और इनका लाभ उठाएं, तभी आएगा गांव में बदलाव और सामाजिक व आर्थिक विकास का नया दौर।